नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं राजीव चौधरी। दक्षिण एशिया से लेकर अरब तक, कनाडा से लेकर यूरोप तक, क्या है इस्लाम का हाल? दुनिया इस चुनौती से कैसे निपटेगी और क्या आधुनिक दुनिया सातवीं सदी में लिखी गई एक किताब के कारण मरती रहेगी? क्या इस्लाम वाकई शांति का मजहब है? अगर है तो वो शांति, वो अमन कहाँ है? इस्लाम को आतंकी चला रहे हैं या उदारवादी और वामपंथी चला रहे हैं या फिर मुल्ला मौलाना? ऐसे कई सवाल लेकर हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। पहले कुछ खबरें, फिर उनका विश्लेषण अगर हम करें तो चाइना ने मस्जिदों को बदल दिया है। उनका जो इस्लामिक ढांचा था उसे हटा दिया है, यानी नवीनतम विकास में नंगुम मस्जिद से इस्लाम के सभी संकेतों को हटा दिया है, गुंबद और मीनारे। उस पर लिखी अरबी भाषा को भी चीनी भाषा में बदल दिया है। बात अफगानिस्तान की करें तो यहाँ जो लोग यूरोप नहीं जा पा रहे हैं उन्होंने कल काबुल विश्वविद्यालय में 25 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कुछ आतंकियों ने 6 जगह पर गोलाबारी की, जिसमें पुलिस के अनुसार कम से कम 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी वियना के सेंट्रल सिनेनाग यानी यहूदी मंदिर के पास हुई। इसके अलावा कनाडा के क्यूबेक सिटी में एक हमलावर ने चाकू से कई लोगों पर हमला किया। इस घटना में भी 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। हमलावर मध्यकालीन योद्धा की पोशाक में बताया गया है, मतलब 7वीं सदी की सिलवार पहने हुए था। शांति वालों ने रूस के मास्को के कुकमोर इलाके में धारदार चाकू लेकर एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आतंकी की आयु 16-17 वर्ष बताई जा रही है। पुलिसकर्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते समय वह लगातार अल्लाहु अकबर चिल्लाते हुए वार करता रहा। असल में फ्रांस में लगातार हुए कई आतंकी हमलों ने यूरोप में आतंकवाद की बहस को एक नई दिशा दी है। समझा जाता है 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना के बाद मुस्लिम देशों के आतंकवादियों ने यूरोप को निशाना बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित हुई और एक नई करवट, एक नई दिशा के बाद यूरोप ने आधुनिकता और विज्ञान को चुना। लेकिन 70 का दशक आते आते 7वीं सदी के विचारों में डूबे गधे पर बैठकर यात्रा करने वाले लोग यूरोप पहुंचे। चौड़ी सड़कें, उन पर दौड़ती गाड़ियां देखी, बिना नकाब हिजाब की महिलाएं देखी तो उनके अंदर की हीन भावना जागने लगी, क्योंकि जो बेगम साथ लेकर गए थे वो तो काले तंबू में कैद थी। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौरान फ्रांस के कुछ बच्चों ने इन्हें भालू समझकर डर भी गए थे। बस फिर क्या था, जेब से शरियत निकाली और 27 दिसंबर 1985 में यूरोप के 2 बड़े शहर इटली के रोम और ऑस्ट्रिया के वियना हवाई अड्डे पर हमला करके 16 लोगों की जान ले ली और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद डेनमार्क में एक मुस्लिम वर्ग ने प्रमुख डेनिश यहूदियों को मारने के लिए 30,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की, जबकि इनकी संख्या डेनमार्क में कुल 5% है। परंतु कुल कल्याण खर्च का लगभग 40% इन पर खर्च होता है। और तो और, देश के दोष सिद्ध बलात्कारियों में बहुमत इन्हीं का है और यह अत्यंत ज्वलनशील मुद्दा इसलिए है क्योंकि सभी महिला पीड़ित गैर मुस्लिम यहूदी और ईसाई है। ऐसा हुआ तो फ्रांस ने डेनमार्क से सबक लेते हुए बुरके को बैन करने का कदम उठाया। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई। पहले स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर रोक लगी। 2011 में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुरके को पूरी तरह बैन कर दिया। अगर कोई महिलाओं को जबरन बुरका पहनाएगा तो उस पर 30,000 यूरो तक का जुर्माना कर दिया। फिर डेनमार्क में बुरके और नकाब को लेकर नया कानून बना। नए कानून में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे पर इस्लामिक नकाब या बुरके पहनने पर बैन लगाया। चेहरे छिपाने वाली औरत पर $157 जुर्माने का प्रावधान लगाया। साल 2010 में इटली ने अपने नोवेरा शहर में बुरके पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद बेल्जियम ने भी 2011 में बुरका बैन कर दिया। बुरका पहनने पर महिलाओं को 7 दिन की जेल या 1300 यूरो तक का जुर्माना किया गया। इसके बाद स्पेन के कैटालोनिया इलाके में कई जिलों में बुरके और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हॉलैंड ने 2015 में बुरके पर बैन लगाया तो स्विट्जरलैंड ने 1 जुलाई 2016 को बुरके को प्रतिबंधित कर दिया और इसका उल्लंघन करने वाले पर 9,200 यूरो तक का जुर्माना कर दिया। 2016 में जर्मनी में कई आतंकी हमलों के बाद जर्मनी को लगा कि अशांति प्रिय लोग कहीं जर्मनी को सटक ना जाए, तो जर्मनी ने जून 2017 से बुरके और नकाब पर रोक लगा दी। जर्मनी की AfD पार्टी लगातार बुरके पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग वहाँ कर रही थी। यही नहीं, अफ्रीकी देश चाड में बुरके पर प्रतिबंध लगाया गया। चाड के प्रतिबंध लगाने के 1 महीने बाद ही उसके पड़ोसी देश कैमरून ने भी नकाब और बुरका बैन कर दिया।
इसके अलावा कांगो ने पूरा चेहरा ढकने पर बैन लगा रखा है। 2015 से प्रतिबंध लागू है। इन सबसे सबक लेकर पिछले साल श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद वहाँ की सरकार ने भी बुर्का प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए पिछले साल चाइना ने तो मजहबी किताब को लेकर फैसला किया कि इसमें जो भी गलत कंटेंट लिखा होगा उसको चीन अपने हिसाब से बदल देगा, यानी चाइना के उइगर मुस्लिम अब मार्क्सवादी कुरान पढ़ेंगे। लेकिन चाइना को पीछे छोड़ते हुए डेनमार्क और भी आगे निकल गया और उसने घोषणा कर दी कि बाहर से आकर डेनमार्क में बसने वालों को भी डेनमार्क का ही खान पान स्वीकार करना होगा। डेनमार्क के स्कूलों में राई ब्रेड और सुअर के गोश्त को लाने पर जोर दिया जाने लगा। अब सुअर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम है, मुस्लिम बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। यही नहीं, स्वीडन के मालमो शहर में कुरान की प्रतियां जलाई गई। ये कार्यक्रम उस एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट का हिस्सा था जो शहर में पोलुदान नाम के एक नेता की गिरफ्तारी के बाद हुआ। बर्मा ने तो इस विचारधारा को अपने देश से ही बाहर फेंक दिया। अब बेल्जियम की संसद में सांसद फिलिप दे विंटर ने कुरान को हाथों में उठाया और उसे आतंकवाद की असली जड़ बताया। जब ये सब हुआ तब भारत की सेक्युलर ब्रिगेड मुस्लिम देशों में ये कहते हुए घूम रहे हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब इनकी सुरक्षा के लिए अगर किसी देश की तलाश की जाए तो चाइना है, डेनमार्क है, फ्रांस है या नॉर्वे और स्वीडन है, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो एक हफ्ता पहले ही मस्जिद में विस्फोट हुआ है और अफगानिस्तान का हाल हम बता चुके हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने मुस्लिम नहीं मानते, बोलते हैं कन्वर्टेड नस्ल है, हिंदू से मुस्लिम बने हुए हैं। खैर, अब फिर वापस यूरोप का रुख करें तो असली समस्या समझिए, क्यों इन्हें शरण देकर आज यूरोप को पछतावा हो रहा है। फ्रांस कह रहा है कि हम फ्रांस के ही मौलवी रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब किताब वही है जिसे बेल्जियम की संसद में दिखाया गया, पूरा सेलेबस वही है, तो मौलवी कहीं का भी हो, शांति का तो सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। इसी वजह से इनकी अलग मानसिकता और शरीयत पर कुछ ज़्यादा ही जोर देने का परिणाम है फ्रांस ही नहीं अन्य यूरोपीय देशों के मूल निवासी भी मुसलमानों से कतराने लगे हैं। दोनों ओर एक दूसरे के प्रति अविश्वास और पूर्वाग्रह पनपने लगे हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में मुसलमानों की छवि आतंकियों के रूप में कैद हो गई है। नॉर्वे में शॉटगन खरीदने की होड़ मच गई है और रूढ़िवादी, आतंकवादी, आधुनिकता विरोधी लेबल इनके माथे पर चिपका दिया गया है। आतंकवाद सार्वजनिक सुरक्षा और मानवीय मूल्यों के लिए खतरा है, इसलिए यूरोप के निर्णय निर्माताओं को सोचना होगा कि खतरनाक रोगों का इलाज खतरनाक उपचार से होना चाहिए। फिलहाल निशा ऐसा दिख रहा है, यूरोप 8वें क्रूसेड युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है। फ्रांस से रणभेरी बज भी चुकी है क्योंकि वियना की घटना पर तत्काल मैक्रों का ट्वीट आना कि हम इस आतंक से मिलकर लड़ेंगे, इसका साफ अर्थ है कि 7वीं सदी के विचारों और कानूनों को मिट्टी में दफन करने के लिए समूचे गैर मुस्लिम समुदाय को एक मंच पर आना होगा, तभी ये लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचा सकते हैं।